अच्छा जी देखो बेटा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना आप लोगों को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब सर वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजों के अंदर आपके पास पहली चीज आती है, दैट इज कॉल्ड सेंसर्स। क्या आती है पहली चीज? पहली चीज आती है आपके पास, दैट इज कॉल्ड सेंसर्स। तो सेंसर्स क्या होते हैं? आपके पास डिवाइसेस दैट इनपुट फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरेट अ वैल्यू। ठीक है, सेंसर्स क्या होते हैं हमारे पास? एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट करती है आपके पास क्या चीज, एक फिजिकल वैल्यू, एक फिजिकल क्वांटिटी, और ये रिटर्न करती है एंड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, और सेंसर के अपोजिट हमारे पास क्या चीज आती है? दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स क्या करते हैं? ये इनपुट करते हैं, या ये इनपुट करते हैं अगेन अ डिजिटल वैल्यू एंड कन्वर्ट दैट वैल्यू इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। सेंसर जो है ना आपके पास, इट्स अ इनपुट डिवाइस एंड एक्चुएटर इज अ आउटपुट डिवाइस। सेंसर की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स इन अ सेंसर। ठीक है, like temperature sensor, moisture sensor, light sensor, infrared sensor, pressure sensor, sound sensor, gas sensor, pH sensor, magnetic field sensor. So any physical quantity, every physical quantity can be measured. Her physical quantity ko aap kya kar sakte ho? Measure kar sakte ho. And that quantity is actually called, physical quantity, like temperature, oxygen, gas. ये सब चीजें हमारे पास अरकम बेटा किसमें आती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। अब इस चैप्टर में ना तुमने एक तो चैप्टर इतना अच्छा सेलेक्ट किया, थैंक यू। इस चैप्टर में सिर्फ एक डायग्राम है, सिर्फ एक डायग्राम है। अगर तुमने ये डायग्राम समझ ली बेटा, अगर तुमने ये डायग्राम समझ ली, खत्म, बस ये चैप्टर डन है हमारे पास। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दैट डायग्राम। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराता हूँ पास पेपर केस के ना, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम के कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी करा देता हूँ, so that आप लोग को आइडिया हो जाए कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपके पास जो रोल प्ले करता है, that is एक फिजिकल क्वांटिटी आई आपके पास, कोई भी एनी फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल वैल्यू, मतलब दिस मीन्स इट कैन बी एनीथिंग, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है ये आपके पास। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी आगे मूव करती है फिर आपके पास, और ये जाती है किसके पास? सेंसर के पास। कहाँ जाती है ये? ये जाती है आपके सेंसर के पास। ठीक है, सेंसर के पास से ये जाता है आपके पास। सेंसर क्या करता है? सिग्नल को सेंस करता है और ये आगे इसको फॉरवर्ड करता है, एक वैल्यू जनरेट कर देता है। क्या करता है? एक वैल्यू जनरेट करता है। ये वैल्यू जाती है आपके पास आपकी किसके पास? एडीसी के पास। बिकॉज आपका कंप्यूटर सिर्फ क्या समझ सकता है? आपका कंप्यूटर, आपका माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है,
दैट्स व्हाई आपके पास ये वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल के अंदर। फिर ये डिजिटल वैल्यू क्या होती है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास लेके जाते हैं हम लोग। अब आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसको कंपेयर करता है अगेन अ प्री स्टोर्ड वैल्यू। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर इट विथ प्री स्टोर्ड वैल्यू। अब प्री स्टोर्ड वैल्यू कंपेयर करने के बाद ये दो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, दो डिसीजन मेकिंग करता है, और वो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली डिसाइड करती है कि आपका सिस्टम इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर आपका सिस्टम इज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। लेट मी ड्रॉ टू स्टेप्स। अगर ये स्टेप करेगा माइक्रो प्रोसेसर तो इट विल बी अ मॉनिटरिंग सिस्टम। और अगर यहां जाएगा तो दिस विल बी अ कंट्रोलिंग सिस्टम बेटा। सो स्टार्ट कहां से किया था, फिजिकल क्वांटिटी आई, सेंसर ने सेंस किया, वैल्यू जनरेट करी, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किया, फिर माइक्रो प्रोसेसर ने उसको प्री स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर किया, और अगर यहां जाएगा तो मॉनिटरिंग, यहां जाएगा तो कंट्रोल। अब सर यहां क्या है वहां क्या है, सवाल तो ये आता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोलिंग के बारे में बेटा, पहले क्या पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं। और अगर जो आपकी वैल्यू थी माइक्रो प्रोसेसर ने उसको कंपेयर किया विद अ प्री स्टोर्ड वैल्यू, और ये वैल्यू क्या थी, इट वाज अ न्यू डाटा आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज। क्या था आपके पास, अगर एक ये न्यू डाटा था आउटसाइड एक्सेप्टेबल रेंज, फिर क्या करेगा, देन माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स सिग्नल टू कंट्रोल वैल्यूज यूजिंग एक्चुएटर। So this will happen class आपके पास in a controlling system। अगर उसने compare किया data outside range था तो आपका microprocessor send करेगा signals to the actuator with the help of actuator, जो भी आपकी quantity है वो physical quantity आपकी, वो क्या करेगा उसको physical form में उसको control करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर आपके पास, फिर जो आपका आउटपुट आ रहा होगा आपके आउटपुट से अगेन कंपेयर्ड विद द वैल्यू, और अगर ये नॉर्मल हो चुका होगा तो फाइन, वरना आपके भाई वापस से चलता रहेगा। और दिस इज कॉल्ड अ फीडबैक लूप। जो आपका आउटपुट आया ना क्लास, फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट किया
प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेस करने के बाद जो आपका आउटपुट आया, तो ये वापस हम एज इनपुट ले रहे हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो आपके आउटपुट को वापस से एज इनपुट लिया जा रहा है, तो दैट इज फीडबैक लूप। तो यहाँ पे आप लोग मॉनिटर करेंगे, अगर आपके पास विद इन रेंज आ गया तो सही है, फाइन, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी विद इन रेंज नहीं आया, तो अभी तक आपकी एक्चुएटर जो है वो मोटर शोटर जो भी है वो ऑन रहेगी और आपका काम परफॉर्म करती रहेगी, ठीक है। और अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम होता सिर्फ, तो आपके पास क्या होता यहाँ पे, इफ न्यू डेटा आउटसाइड एक्सेप्टेबल रेंज, देन अलार्म इज जनरेटेड। सिर्फ अलार्म जनरेट हो जाएगा, कोई भी काम नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ अलार्म जनरेट हो जाएगा, कोई एक्चुएटर कोई फिजिकल काम परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगेन ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली आपका मॉनिटर होती रहेगी, when system is in range, तो आपके अलार्म जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, और इस टाइप की सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये वाला पार्ट था आपका, ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट था, ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट था, एंड इन द एंड दोनों आपके पास क्या होते हैं, दोनों आपके बार 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 चलते रहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग बेटा। सो ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो यू आर इन अ परफेक्ट कंडीशन to understand this chapter. इस chapter के अंदर बस आपके पास ये diagram आपको clear होनी चाहिए बेटा, the role of actuators, the role of sensors. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ examples लिखवा दे, patient लेटा हुआ है, आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, patient लेटा हुआ बेड के ऊपर, so that will be actually beep 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 बचने लग गई, that is counted in मॉनिटरिंग सिस्टम्स बेटा। हमारा कौन सा सिस्टम, देखो ये अगर दोनों मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों यहां पर है, अगर आप यहां से फॉलो करोगे, ये वाला पार्ट फॉलो करोगे, ये हिस्सा फॉलो हो रहा है तो मॉनिटरिंग, अगर ये वाला पार्ट फॉलो करोगे तो कंट्रोलिंग, कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहे हो, कोई चीज हो रही है, तो दैट इज काउंटेड इन कंट्रोलिंग वरना मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन प्रोसेस विल रिमेन सेम, लूप विल रिमेन सेम। अब क्वेश्चन करते हैं जरा, एक जरा यहां पे
अच्छा जी, आपको मैं यहाँ पे बताना है कौन सा मॉनिटरिंग है, कौन सा कंट्रोलिंग है, स्पीड ऑफ कार, कॉमन सेंस वाले सवाल है, जल्दी से बताओ मुझे कोई बच्चा, कार स्पीड डिस्प्ले मॉनिटरिंग है या कंट्रोलिंग है? परफेक्ट, दोनों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल मॉनिटरिंग। अगला बोल रहे एरोप्लेन ऑटो पायलट, एरोप्लेन ऑटो पायलट, परफेक्ट, कंट्रोलिंग सिस्टम है। रोलर कोस्टर कंट्रोलिंग, परफेक्ट। रिकॉर्डिंग द रेनफॉल एट द वेदर स्टेशन, परफेक्ट। रिबॉट लोडिंग अ पार्ट ऑन टू अ कन्वीनियर बेल्ट, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं कि मैरी हैज सिक्स फिश टैंक्स, मैरी के पास कितने फिश टैंक्स हैं? छह फिश टैंक है। टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इन ईच टैंक नीड्स टू बी विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, टेम्परेचर को मेजर करना है। दैट आइडेंटिफाई थ्री आइटम्स ऑफ हार्डवेयर दैट मैरी विल आस्क हर टैंक टू हेल्प मेंटेन द टेम्परेचर, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच आइटम। ठीक है, तो आई थिंक बड़ा आसान काम है, टेम्परेचर सेंसर पर्पस टू मेजर टू सेंस द टेम्परेचर इन द वॉटर, खुद लिख लिएगा। एक और हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर, सो दैट आप कंपेयर करने के बाद आप कोई एक्शन कर सकें अगर टेम्परेचर आउटसाइड द रेंज है। ठीक है, थर्ड आइटम एडीसी टू कन्वर्ट द एनालॉग वैल्यूज इनटू डिजिटल, फोर्थ आइटम हीटर्स ताकि अगर आपका वो आउटसाइड द रेंज आए तो आप वापस से टेम्परेचर अपना मेंटेन कर सकें। ठीक है, और आई थिंक वी आर गुड, छह नंबर दे रहा है एग्जामिनर, क्लास बांट रहा है। अच्छा जी, आगे पढ़े, टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन फ्रॉम ईच टैंक वंस पर मिनट, टेम्परेचर रीडिंग वंस पर मिनट, टेम्परेचर रीडिंग इज स्टोर्ड एज टू सक्सेसिव बाइट्स, द फॉर्मेट ऑफ द बाइट्स आर बाइट वन बाइट टू, फिश टैंक टेम्परेचर रीडिंग, the fish tank number is indicated by setting one of the bits in byte 1 to 1, byte number 7 flag, वापस से पढ़े, मुझे नहीं समझ में आया। देखें होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ लें वापस से। यहां तक तो मुझे बिल्कुल क्लियर था, इसके बाद मुझे क्लियर नहीं हुआ बोल क्या रहा है वो, मैंने वापस से पढ़ा। Fish tank number is indicated by setting one of the bit of byte 1 to 1. अच्छा, सिर्फ एक bit को setting one bit in byte 1 to 1. तो हमें क्या बताएगा? Fish tank number. ठीक है. For example, tank number 5 is indicated by setting bit number 5 to 1. ठीक है, बिट सेवन ऑफ बाइट वन इज अ फ्लैग, अगर इनिशियल फ्लैग की वैल्यू जीरो है, व्हेन रीडिंग हैज बीन प्रोसेस्ड द वैल्यू इज सेट टू वन, अगर रीडिंग प्रोसेस हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, और अगर रीडिंग प्रोसेस नहीं हुई इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, कितने टैंक थे? टैंक कितने थे?
Mary having 6 fish tanks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सही है. अच्छा जी, बिट 0 ऑफ बाइट 1 इज अनयूज्ड. तो भाई वो बोल रहे इसको तो हटा ही दो, ये यूज ही नहीं होगी. वो बोल रहा अगर फिश नंबर टैंक 5 है तो ये 1 होगी. वो बोल रहा अगर टैंक 4 है तो ये 1 होगा. वो बोल रहा अगर टैंक 2 है तो आपके पास ये 1 होगा. ठीक है भाई, जो बोल रहा हम सुन लेंगे. अब वो बोल रहा बाइट 2, बाइट 2 कंटेन्स टेम्परेचर रीडिंग. ओहो आसान हो गया. बाइट 2 क्या कंटेन कर रही है? टेम्परेचर रीडिंग कंटेन कर रही है, लेकिन इन 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कोई मसला नहीं है. वो बोल रहा है 3 नंबर का सवाल है, बोल रहा है इसको देख के बताओ ये क्या हो रहा है. ठीक है, सबसे पहली बिट ये थी. दिस मींस रीडिंग नॉट प्रोसेस्ड. दूसरी वाली बिट थी, ये तो अनयूज्ड है, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो. तीसरी ये बिट है, इसका मतलब टैंक नंबर 3, फिर ये टेम्परेचर है आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and -128. So this will be 11. अब यूनिट तो बताया नहीं इसने, यूनिट तो बताया नहीं इसने. 11 डिग्री. अब वो सेल्सियस है, फॉरेनहाइट हमें नहीं पता भाई. ठीक है, आगे बोल रहे द सिस्टम रिसीव्स टेम्परेचर रीडिंग ऑफ -2 फ्रॉम टैंक नंबर 4. Complete the 2 bytes reading after has been processed. Reading processed हो गई है. ठीक है, 1 हो गया, टैंक नंबर 4 है, ये हो गया. बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी? 0, 0, 0, 0, 0, 0. -2 शो करना है. -2 कैसे करोगे भाई? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and -128. तो ये भी माइनस, ये 1, 2. तो हमें क्या करना है, इसमें से 2 छोड़ना है. नहीं नहीं 125 हो जाएगा. क्लास दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ -2. या वो क्या वैल्यू दे देगी? -2 की वैल्यू दे देगी. पता चल गया ना मैंने कैसे कैलकुलेट किया है. सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? नेगेटिव. बाकी सारी बिट्स क्या है? पॉजिटिव. तो -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 नहीं होगा. प्लस 1 को छोड़ के मैंने सब ऐड कर दिया. दिस विल गिव यू -2. ठीक है, आगे बढ़े. कितना बड़ा सवाल है भाई, गलत सवाल चूज कर लिया मैंने. हार्डवेयर डिवाइस अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द टैंक व्हेन ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द बिट मेमोरी लोकेशन 6, 7, 5, 3. इफ बिट 4 इज 1 देन द हार्डवेयर डिवाइस विल बी फिश नंबर टैंक इज ऑन. राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू सेट बिट 4 ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू 1 without changing the other bits value. Use instruction set provided. ठीक है, तो क्या मैंने क्या किया? पहले मैंने क्या किया? लोड किया मेमोरी को.
लोड कैसे करते हैं, एलडीडी, मेमोरी का नंबर क्या है मेरे पास, 6753। यार मैं भूल गया, डायरेक्टली जब मेमोरी को एक्सेस करते हैं शायद हैश लगाते हैं स्टार्टिंग में, एंड में मार्किंग स्कीम देख लेंगे बेटा, ठीक है। मैं यहाँ भूल गया, यहाँ पे शायद हैश लगाते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कि एक साल बाद करवा रहा हूँ सवाल, तो वो देख लेंगे एंड में। मैंने मेमोरी को लोड किया, अब मैंने क्या किया, मेमोरी को लोड करने के बाद मैंने बोला बिट फोर को मुझे वन करवाना है, 1 2 3 4 5। तो मैंने बोला और हैश जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, उसे मतलब बाकी बिट्स को अनडिस्टर्ब रखना, सिर्फ बिट फोर को ना, अगर वो वन है तो वन ही रहे, अगर वो जीरो है तो वन हो जाए, मतलब आपको वन सेट करवाना था बिट फोर को, बाकी बिट्स को अनडिस्टर्ब। तो अगर मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करता और बिट फोर को सिर्फ वन करके बाकी सबको जीरो कर दूं, तो जो भी होगी वो बाकी बिट्स अनडिस्टर्ब रहेंगी और सिर्फ बिट फोर क्या हो जाएगी, इट विल बी सेट टू वन। और अब मैं वापस से स्टोर करवा दूंगा एसटीओ 6753, डन। 3 2 5 5 8 आठ और 6 14 14 और 2 16 16 मार्क्स का सवाल था क्लास, ठीक है। लेट्स चेक द एमएस एज वेल, मुझे नहीं सही किया होगा हम लोगों ने, परफेक्ट। अबे एक चीज भूल गया क्लास, बाइनरी में क्लास जब करते हैं ना तो बी लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने बाइनरी में परफॉर्म करवाए तो स्टार्टिंग में बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, ये मिस्टेक हो गई, मैं ये भूल गया था। बाकी ये देखें, ये भी बिल्कुल सही है हमारा और ये भी सही है, बिल्कुल सब सही है, ठीक है। फिर वो बी लिख देते हैं बाइनरी में जब हम लोग करते हैं, दानियल दैट इज पी फोर। आज मैं सिर्फ पी थ्री की बात कर रहा हूं, पी फोर की मैं बात नहीं कर रहा आज। गैंट चार्ट पर्ट चार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ट्यूसडे को आपका पेपर है, और गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट ट्यूसडे रात को करवा दूंगा, ठीक है, लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्राइडे को फिर अगला पेपर है। तो ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, तो तीनों दिन हम लोग क्लास करेंगे, तीनों दिन हम लोग क्लासेस मैं लूंगा आप लोगों की, और एक एक दिन जो है, एक दिन प्री रिलीज करवा दूंगा। प्री रिलीज की है तो मैं पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो कल संडे का टाइम है ना मेरे पास तो लेकिन अभी आपको पी थ्री पढ़े, प्री रिलीज का कल मैं जो है, कल ले तो प्री रिलीज पूरा करवा दूंगा आप लोग को, तो प्री रिलीज एक जान से साइड में हो जाए, प्री रिलीज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आना ही आ रहा है ना, तो प्री रिलीज कल करवा दूंगा मैं। बाकी जो है वो गैंट चार्ट पर्ट चार्ट ये ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे नाइट में किसी एक में या तीनों में हम लोग बैठ जाएंगे, देख लेंगे रात में जब भी मैं घर पहुंचूंगा वापसी में, तो फिर हम इसको चीजों को स्टफ को कवर अप कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अच्छा जी, अर्कम का सवाल आया, ऊप एंड एडिटीज। अर्कम पी थ्री में अभी फिलहाल कुछ बताओ, पी थ्री में बाकी चीजें आई थिंक सेट हैं, तो एडिटीज अगेन, एडिटीज आर पार्ट ऑफ पी फोर, पी थ्री बहुत आसान है। हाँ यार पी थ्री तो आसान है, कोई मसला नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, आप लोग का पेपर ट्यूसडे को है ना, हम लोग बैठ जाते हैं या तो आज रात मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ओवर द ग्रुप, या कल बैठ जाते हैं, कल प्री रिलीज
और ऊप, ये दो टॉपिक्स कल वाइंड अप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये दो टॉपिक्स हम लोग क्या कर लेते हैं, कल वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने असल में एक्चुअली मैंने अभी तक प्री रिलीज आप लोगों का खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अक्टूबर नवंबर सेशन वैसे पढ़ाता ही नहीं हूँ, लेकिन इस बार जो है वो अचानक से अक्टूबर नवंबर का बर्डन आया, और बर्डन ऐसा आया कि ओल विल बी एस बी और ए टू बी, तो ये तो कैरी ऑन करना ही था, बाद में फिर हमारे जो रेगुलर बैचेज हैं वो भी अब कैरी ऑन करने थे, सो काफी मैसअप हो गया था स्केड्यूल, क्योंकि अब बस मेरी 12 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है अगली, तो कोई मसला नहीं है, या तो आज रात मैं देखता हूँ अपना स्केड्यूल कुछ सेट करता हूँ, आज रात ही हम लोग ना ऊप लिमटा देते हैं, ऊप और एडिटिंग आज रात लिमटा देते हैं, और कल सुबह जो है हम लोग प्री रिलीज मटेरियल लिमटा के साइड में कर देंगे पेपर 4 का, और फिर आप लोग आराम से पूरा संडे होगा आपके पास रिविजन का, पूरा मंडे होगा आप लोग का रिविजन का फॉर द पेपर 3, ठीक है? और पेपर 3 का मैं फिर मॉक भी अपलोड करूंगा, तो मॉक का पेपर भी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप का एक क्वेश्चन करवा दें, ठीक है, करवा रहा हूं सर। डेटा रिप्रेजेंटेशन में से पॉइंटर्स करवा दें, ठीक है, दोनों चीजें करवा देता हूं बेटा, दोनों चीजें हो जाती हैं, अभी करवा देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक मैसेज कर दूं कि मैं 20 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। Let's see. अच्छा जी, फ्लिप फ्लॉप का एक सवाल कर लेते पहले, और सबसे मुश्किल वाला सवाल ही करवा देता हूँ डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप का, मिल जाए आपको मुझे। जो लेटेस्ट पेपर आए वो भी सॉल्व कर लेगा 2020 के भी, मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर P3 के। ये आ गया क्लास, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ लॉजिक फ्लिप फ्लॉप,
तो भाई कौन सा गेट है? नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या होगा? 1 1 1 0, ठीक है। तीन इनपुट है, अगेन नैंड गेट है, तो ये और एंड का अपोजिट ही होगा। एंड में अगर एक भी जीरो हो तो जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वन, अगर एक भी जीरो है तो इट विल बी 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। अब आपके पास नैंड गेट इंप्लीमेंट किया गया है, और ये क्या, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? दिस इज योर एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब वैल्यूज क्या थी, वन और जीरो पे वैल्यू क्या थी? 0 1। तो 1 1 पे क्या होगा? मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट क्या होती है? जो भी प्रीवियस स्टेट हो उसको मेंटेन किया जाता है। आगे देखा हमने यहाँ पे 0 1, तो 0 1 पे क्या होगा आपके पास? अब पहले ये इस स्टेट में, तो अब क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, दिस विल बी 1 0, क्योंकि अगर S1 और R0 पे अगर Q0 और Q0 वन है, तो 0 1 पे क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट कर दिया। और अगेन 1 1 पे क्या होता है? ये कौन से स्टेट में रहता है? मेमोरी स्टेट। दिस विल बी मेंटेनिंग द प्रीवियस स्टेट, दैट विल बी 1 0। डन। आगे बोल रहे कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि व्हेन द वैल्यूज आर जीरो जीरो, मैंने एस भी जीरो कर दिया, यहां पे भी जीरो कर दिया। आपको पता है जब एक भी इनपुट नैंड गेट में जीरो है, नैंड गेट के अंदर आपको अगर एक इनपुट भी जीरो है तो आउटपुट विल बी 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 1 इधर आया, लेकिन 1 0 क्या हो गया? 1। सो क्यू इज 1 और क्यू नॉट इज 1, तो हमेशा क्यू का बार जो है वो अपोजिट होता है, एंड दैट बार शुड बी अपोजिट एंड इट शुड बी जीरो या फिर अपोजिट होना चाहिए उसके। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट होना चाहिए, तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो और आपका सर्किट क्या हो गया? सर्किट एंटर्स इन एरर स्टेट, और वी कैन कॉल इट अनडिफाइंड स्टेट। अभी आ गया आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। तो भाई एक बात याद रखनी है, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ना, अगर ये नैंड से बना हुआ है तो ये फॉलो करता है आपके पास, ये फॉलो करता है आपके पास नॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फॉलो करेगा, ठीक है। और नॉर का आउटपुट क्या है हमारे पास? ये रहा नॉर ऐसा और फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो नॉर नॉर में क्या होता है देखो जरा, नॉर में क्या होता है हमारे पास? नॉर में होता है हमारे पास 1 0 पे क्या होगा? अगर S1 है, R0 है, तो Q1 Q0 0 स्टेडी स्टेट। अगर 0 0 है तो मेमोरी स्टेट होती है। अगर 0 1 है तो रीसेट स्टेट, दैट इज 0 Q0, और क्यू नॉट क्या होगा? 1 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, लेट्स सी, J0 K0 क्लॉक हमेशा 1 होती है, तो J0 और K0 पे, 0 0 पे इस वाले ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखें क्या होता है।
क्या होता है, मेमोरी स्टेट होती है भाई हमारे पास, क्या होती है, मेमोरी स्टेट होती है हमारे पास, ठीक है। तो मेमोरी स्टेट क्या होती है, जो प्रीवियस स्टेट है वही मेंटेन होगी। तो दिस मीन्स जो भी आपकी इनिशियल स्टेट थी, क्या थी इनिशियल स्टेट हमारी, 1 0, तो ये इनिशियल स्टेट मेंटेन हो गई यहाँ पे। अगेन 0 0, क्या होगा, इनिशियल स्टेट मेंटेन होगी, क्या थी इनिशियल स्टेट, ये थी, मेंटेन हो गई। अब ये जे जो है ना, जे एक्चुअली ऐसे, और आर जो है ना, एसआर फ्लिप फ्लॉप का के जो है वो आर है, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, तो आप मुझे बता दें क्या करना है। बच्चे, बच्चों को पता भी है कि वो पेपर दे देंगे 1 बजे, फिर 2:30 बजे क्लास है, फिर घर जाएंगे। तो पहले आई थिंक हम लोगों ने कुछ लैब का ही शायद आई थिंक मना किया हुआ है। बिल्कुल आप लगा दें, क्लास लगा दें, मेरी तो बिल्कुल, मैं तो बड़े खुशी से कि वो अभी काफ़ी पीछे जा रहे हैं, मुझे सिलेबस जल्दी जल्दी कवर अप करवाना है, तो बिल्कुल आप ऑन कर दें क्लास, ठीक है ना, मैसेज कर दें। और जो बच्चे मिस आउट अगर करेंगे तो फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देंगे बच्चों के साथ। और मुझे A1 और A2 का दोनों का टेस्ट भी कंडक्ट करवाना है, तो वो भी मुझे बता देगा कोई टाइम अगर अवेलेबल है हमारे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे तो शायद नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, तो एक टेस्ट भी मुझे कंडक्ट करवाना है नवंबर का। अच्छा जी, अब क्या हुआ हमारे पास 01, तो 01 पे क्या होता है भाई, चेक करें जरा, 01 पे होता है ये स्टेडी स्टेट में, 01 पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट में होता है Q0 और Q0 1। तो मैं यहां पर आया, अब जब 01 है तो क्लास इनिशियल स्टेट डज नॉट काउंट, आपके पास क्यू हमेशा क्या होगा 0 और Q0 क्या होगा 1 होगा। इस केस में इनिशियल स्टेट मैटर आपकी नहीं करती, अगेन 01, इनिशियल स्टेट वोंट काउंट 01। अब क्या हो गया 10, तो अगेन 10 चेक करें वहां पे क्या था, 10 के ऊपर होता है आपके पास, 10 के ऊपर होता है आपके पास सेट स्टेट के अंदर Q1 और Q0 0। तो मैंने यहां पे क्या किया, Q1 Q0 0 इनिशियल स्टेट डज नॉट काउंट, मैटर नहीं करती। अब यहां पे अगेन 10 इनिशियल स्टेट डज नॉट मैटर 10। नाउ 11, अब 11 पे क्या हो रहा था हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप में, ये अनडिफाइंड स्टेट में जा रहा था, एरर स्टेट में जा रहा था, दिस वाज अनडिफाइंड स्टेट, या वी कैन कॉल इट एरर स्टेट। तो अब क्या होगा यहां पे, अब ये यहां पे क्या होता है, यहां पे चला जाता है ये टॉगल स्टेट के अंदर, अब एरर स्टेट में नहीं जाता, ये दैट्स द बेनिफिट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप कि ये एरर स्टेट में नहीं जाता, ये कौन सी स्टेट में चला जाता है, टॉगल स्टेट में चला जाता है। अब ये टॉगल स्टेट क्या है, तो टॉगल स्टेट होती है जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू है लाइक 10, इसका अपोजिट हो जाएगा, इट विल बी 01, और अगर आपके पास 01 है तो इट विल बी रिवर्स 10। 4 marks, खत्म। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, अच्छा मैं नोट सेंड कर दूंगा दानियाल, मैं नोट सेंड कर दूंगा ये वाले, ठीक है, दोनों को, हमाद भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। सो दिस वाज द लॉजिक, देखे ना, अब 01 पे रीसेट, Q0 Q0 1, आपका इनिशियल स्टेट मैटर नहीं करती, इनिशियल स्टेट कब मैटर करती है, जब आपके पास 00, तो 00 पे क्या होता है मेमोरी स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट होगी वही आपके पास वो। 11 पे क्या होगा, एरर स्टेट में नहीं जाएगा, टॉगल स्टेट में चलेगा, टॉगल स्टेट क्या होती है, रिवर्स, जो भी इनिशियल स्टेट थी उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आगे और भी सवाल है, एक्सप्लेन बाय जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इंप्रूवमेंट, बिकॉज दिस इज एन इंप्रूवमेंट, द सर्किट वोंट बी गोइंग इन, सर्किट आपके पास नहीं जाता किसके अंदर, अनडिफाइंड स्टेट के अंदर आपका सर्किट नहीं जाता। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टू स्टोर मेमोरी,
या फिर यू कैन ऑल्सो राइट टू स्टोर मेमोरी एंड टू सेव मेमोरी एंड स्टोर वन बिट ऑफ मेमोरी. ठीक है, वन बिट ऑफ मेमोरी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन अ फ्लिप फ्लॉप. नाउ लेट्स सी, अब हम लोग देखते जरा यहाँ पे आखिरी रिक्वेस्ट आई हुई थी फॉर रियल नंबर्स, सॉरी पॉइंटर्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंटर्स. पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी डेटा टाइप है या एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट करवाते हैं. क्या करवाते हैं, पॉइंटर्स आर यूज्ड टू लोकेट, टू रेफर टू द मेमोरी लोकेशन. फॉर एग्जांपल मैंने किया आउटपुट नेम, नेम की वैल्यू थी, नेम के अंदर मैंने सेव करवाया था राजा, राजा प्रिंट हो जाएगा. मैंने अब करवा दिया आउटपुट पावर सिंबल एंड नेम, तो अब ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग राजा, ये जो नेम मेमोरी लोकेशन में जहां पे सेव होगा ना, वो मुझे प्रिंट करके दिखा देगा. तो इट विल बी प्रिंटेड 1002 बिकॉज दैट वॉज द मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल दैट वॉज कॉल्ड नेम. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ इट वर्क्स. और हम लोग यहाँ पे डी रेफरेंस भी कर सकते हैं. डी रेफरेंस क्या होती है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स टू प्रिंट द मेमोरी लोकेशन, टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन, हम लोग वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर दैट अगर आप जो सिंबल है वो एंड में बना देते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वो आपकी लोकेशन की मेमोरी लोकेशन के बजाय आपकी वैल्यू को प्रिंट करवा देता है. एंड दैट वॉज अबाउट द पॉइंटर्स मेन कॉन्सेप्ट, दे आर यूज्ड टू पॉइंट टूवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन बेटा. ठीक है, तो क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, आपकी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करवाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं पॉइंटर्स को. ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड. सो आज इसको यहीं पे होल्ड करते हैं.